आईसा लिंक रे बढ़ला गिरफ्तारी ए प्रसंग उप नजर पकाइबा ओटीपी शेयरिंग मामला रे आउ जन अभियुक्त गिरफ होछंती पुणे निवासी संजय जंबुरी को गिरफ करछि क्राइम ब्रांच से विप्रो कंपनी रे चाकरी करथुले पाकिस्तानी एजेंट को सहित जोगाजोग अभियोग रे तांको गिरफ करा जायछि पूर्वरु एही मामला रे पूर्वरु 5 जन गिरफ होइ सारिछंती एवं एहा सहित पूर्वरु अभियुक्त प्रीतम कर को रिमांड रे नै पचराउचरा करछि एसटीएफ गत वर्ष नवंबर रे मांगलोर ऑटो रिक्शा ब्लास्ट मामला रे संपृक्त रहितला प्रीतम कर रो एवं गिरफ समस्त अभियुक्तर बैंक अकाउंट जांच सहित से ट्रांजाक्शन होते टाँचा आसी से सबूर तथ्य मागिछि बैंक को एसटीएफ जबत होता विभिन्न कंपानी सीम को जांच पाई सीम कंपानी सहित जोगाज कर एसटीएफ तेज सीम गुड़िक क्या ना रही से नहीं खोलताड़ सहित अभियुक्त मान सीम जोगा व्यक्ति मानू ठाब कर एसटीएफ पर से कहला ये टंका तो अपन पाउच ते फ्री रो टंका पाउच ने देन यू अपन मते किजे रिटर्न करो भाई तो रिता रही है लगे ठीक है जी निजर शेयर रखिए बाकी टंका पाकिस्तानी एजेंट्स मने को ये प्रोवाइड करो सो दैट की लोग को जानबो की इंडिया टू इंडिया ही ट्रांजैक्शन पहुंची कोई लोग को डाउट करबो नहीं पुलिस हो चाहे अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो से कोई डाउट नहीं करी पाबो की टंका एक्चुअली इनडायरेक्टली पाकिस्तान 2018 रही टच रहा आसी थला लेकिन 2022 रो परे बेसी एक्टिव है बहुत लोग अच्छा उड़ीसा दो तीन टा छाड़ी के बाकी स्टेट रो बेसी लोग अच्छा हमारे टीम महाराष्ट्र पुणे जाता सेठी से लोकल पुलिस मिसी के उनको अरेस्ट करा दी तो पूर्वरु मध्य पठाणी सामंत लेंकाठू आरंभ कर अनेक पांच जन गिरफ होते प्रीतम कर मध्य गिरफ होता वर्तमान आउ जन मध्य जंबुरी जेक राज्य बाहर सहयोगी रही थे अर्थात पूरा भारत में नेटवर्क चली केमिति ओटीपी शेयरिंग स्कामे सीम जोगाउले ता बदल में टंका पाते एकाधिक लोकों ना तथ्य हासिल करुले और से ही तथ्य को किभली पाकिस्तानी हाथ में आईएसआई लिंक में टेक दि जाऊला से सबूर तदंत को तथ्य को खोलताड़ करुँव कि पूर्व वेस्ट बेंगल एसटीएफ टीम पुलिस टीम आसी राज्य को बाबद प्रीतम करकुन रिमांड में नहीं था अनेक किसी पचरा उचरा पर बर्तमान जंबुरी पाखे एसटीएफ टीम पहुँची अनेक मध्य लिंक अच्छा जो मैंने सारा भारत में सेमानक नेटवर्क को विस्तार करते गोटे परे गोटे कब्जा को आसुचंती वर्तमान आउ कहीं गिरफ हे कि ये केते बड़ नेटवर्क राज्य राज्य तथा राज्य बाहर किभली पठाणी सामंत लेंका ठारु आरंभ हुई अनेक लोकों पर्यंत पहुँचीला केते टंका आय करते केते केते टंका केउ अकाउंट रही वर्तमान एसटीएफ बैंक एवं सीम कंपनी टेलीकॉम कंपनी को मध्य अनेक तथ्य मागी जहाँ तथ्य आसवा पर आहुरी किसी विस्तारित भाव में खोलताड़ किंतु ए पर्यंत गोटे दिग प्रति स्पष्ट हो पारिनी जे केते तथ्य आईएसआई को दि जाइए ओडिशारु एवं ओडिशा रे केउ केउ लिंक बाहर को जाइछि केते प्रकार रो कंपनी को तथ्य रहिछि एही सिम रे एवं केउ केउ माने तेरे संपर्क होछन्ते केवल जेउ माने गिरफ होछन्ते सेही माने ना ताकु छाड़ी आउ केही अछन्ते ता ऊपर नजर रहिछि एसटीएफ केमिति तदंत करूछि एहा परे मध्य अनेक किछि गिरफदारी संख्या बढ़ी पारे एहा कहा जाउछि किंतु ओटीपी शेयरिंग करी आउ जने गिरफ होछन्ते अथ गिरफदारी संख्या 7 रे पहुचलानी प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार आम सहित अछन्ते हेमंत जे वर्तमान जंबुरी पाखरे पुलिस पहुँचवर यह प्रमाण करुच्छ प्रीतम करठू जो तथ्य आदाय हो राज्य बाहर भी नेटवर्क ओडिशा सहित रही कि देखु जो जो भाव में अभिजित संजय जंबुरी जे कि पुणे जे विप्रो इंजीनियर जे कि वेल एजुकेटेड ताकू वर्तमान धरी वर्तमान यह जना पड़ी जे अभिजित मध्यम टेरर फंडिंग पाकिस्तान रु आसुला और जो एजेंट मैंने अच्छी पाखक ये टा जाऊला अभिजित मध्यम अभिजित पाकिस्तान रोटे एजेंट डानिश सहित संपर्क गोटे से जो गोटे आप आप्रे जो अभिजित रप्रे चलाउला डानिश और से पैसा पाला अभिजित पाकिस्तान रोला आउ गोटे तथ्य मध्य सामना को आसी राधेश्याम जे पाकिस्तान आईएसआई रोटे डिफेन्स रे एजेंट वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल हमिद से मध्य अब्दुल हमिद खुरम जे से मध्य भारत को एकाधिक बार एजेंट मानक सहित आलोचना करिसेंति और से मानक सहित मध्य तांकर जो भली भाव में ब्लू प्रिंट किभली हबो ताकु लेकर मध्य करछन्ति तबे से दिग को मध्य खोलताड करुछि क्राइम ब्रांच आ गिरफ्तारी संख्या अधिक बढ़ी पारे अन्य राज्यर मध्य लिंक मिलुची जो भाव आप देखिंट कि पश्चिम बंग पुलिस आसी प्रीतम कर को पचराउचरा करता जो भाव में पठाणी सामंत को पचराउचरा करता
ତେଣୁ ଲିଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ବୁରୀ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମ୍ବୁରୀ ହଉଛି ଇଏ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଙ୍କ, ଆଉ ୟାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରୀତମଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓ ଅନ୍ୟ ଭାରତର ଯେତେ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲିଙ୍କରେ ଅଭିଜିତ ପାଖରୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା। ଅଭିଜିତକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ଓ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ନେଟୱାର୍କଟିକୁ ବା ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଖୁରମ ଓରଫ ଅବଦୁଲ ହମିଦ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ବଡ ବଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସ୍କାମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଅଭିଜିତକୁ ଦେଖିବା, ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ବିପ୍ଲରେ କାମ କରନ୍ତି ପୁଣେରେ, ଓ ବେଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନେଟୱାର୍କ ବା ସେଇସବୁ କାମରେ ସେ ବେଶ ସିଦ୍ଧସ୍ତ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ କୁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ଦେଶକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସେହି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ରଚିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କାମ୍ ଜରିଆରେ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।